तो गाइस आज के GTA 5 की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह सुपरमैन सरवाइव करता है पूरे के पूरे 200 साल। और गाइस हम लोग ये भी देखेंगे किस तरह सुपरमैन सुपर विलन से फाइट करता है, जिसमें से एक विलन तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है गाइस। तो चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस एक कपल जिसमें से एक का नाम था जोनाथन और उनकी वाइफ का नाम था मार्था, दोनों कार से जा रहे थे। तभी उनको एक भयानक से आवाज सुनाई पड़ी और इसको सुनकर जोनाथन कार से नीचे उतर जाते हैं और वो आवाज की तरफ चलते जाते हैं। तभी गाइस उनको एक स्पेस क्राफ्ट दिखता है और वो चले जाते हैं खोज के लिए कि आखिर यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट क्या कर रहा है। गाइस जोनाथन के गए हुए काफी टाइम हो गया होता है पर वो वापस नहीं आते हैं और उनकी खोज के लिए मार्था को भी नीचे जाना पड़ता है। और गाइस जब जोनाथन के पास मार्था पहुँचती है तो देखती है कि जोनाथन एक बच्चे के साथ खड़ा है जो कि यार स्पेस क्राफ्ट में था। वो दोनों इस बच्चे को वापस घर लेकर के आ जाते हैं। गाइस वो दोनों इस बच्चे को घर तो लेकर के आ रहे थे पर उनको ये नहीं पता था यार ये बच्चा कौन है और फ्यूचर में क्या बनने वाला है। बिना इस बात की खबर वो इस बच्चे को पालना शुरू कर दिए। और गाइस इसी तरह देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं और एक दिन क्लार्क केंट मतलब कि यार अपना फ्यूचर का सुपरमैन इसी तरह रोड पर स्कूल जा रहा था और तभी गाइस अचानक से वो देखता है कि कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे हैं। वो ये देख करके रह नहीं सकता था इसलिए वो बीच में कूद पड़ता है उन आदमियों से फाइट करने के लिए। ओए तुम लोग हो कौन और इस आदमी को मार क्यों रहे हो, छोड़ दो उसको। बच्चे अपने काम से मतलब रख और इधर से निकल जा नहीं तो इसके साथ तू भी पिटेगा। अच्छा तो ऐसी बात है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, इस आदमी को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। गाइस अपना क्लार्क केंट उन लोगों से फाइट कर लेता है और यार गलती से वो इन लोगों के बीच में पड़ जाता है। बाकी सारे बंदे अब उस आदमी को छोड़ करके इस बच्चे को मतलब यार अपने क्लार्क केंट को मारने लगते हैं। और तभी गाइस कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में अपना क्लार्क केंट भी नहीं जानता था, उसकी सारी पावर जागृत हो जाती है। अरे यार ये क्या हो गया, मेरे अंदर तो काफी ज्यादा पावर आ गई है, अब मैं बचाता हूँ इन गुंडों को। क्या समझ के रखा था मैं बच्चा हूँ, आ जाओ मेरे से वन बाय वन कर लेते हैं। जाओ आज से आपको ये लोग परेशान नहीं करेंगे और अगर कभी परेशान किया तो मुझे आके बोलना, मैं फिर से आके इनको धो दूंगा। अरे यार मेरे अंदर इतनी सारी पावर कहाँ से आ गई है, मुझे जल्दी से मम्मी पापा के पास जाना पड़ेगा और जाकर के उनसे पूछता हूँ यार कि आखिर मेरे अंदर इतनी सारी पावर कहाँ से आ गई। गाइस अपने क्लार्क केंट के अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी आखिर उसके अंदर इतनी सारी पावर आई कहाँ से, इसलिए गाइस वो अपने मम्मी पापा के पास जा रहा था। तो गाइस जब तक क्लार्क केंट अपने मम्मी पापा के पास जाता है तुम लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में सुपरमैन ओपी लिख दो यार। अरे यार फाइनली मैं अपने घर आ गया। अरे मम्मी पापा आप लोग किधर हो, अरे मुझे मम्मी पापा आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ओ आप लोग यहाँ पर खड़े हो, मुझे आप लोगों को कुछ बतानी है। आज मैं जब फाइट करने गया ना मेरे अंदर काफी भयानक सी पावर आ गई, मैंने सबको धो दिया। अब बताओगे ये सारी पावर मेरे अंदर कहाँ से आई। मार्था लगता है आज इसको सच बताने का टाइम आ गया है, चलो इसको लेकर के चलते हैं जहाँ से ये सही में आया है। और गाइस इसके बाद जोनाथन ने क्लार्क केंट को वहीं लेकर के गए जहाँ से वो रियल में आया था, मतलब कि यार जब वो छोटा था। पापा आप मुझे कहाँ लेकर के आ गए, ये कौन सी जगह है। क्लार्क मैं तुम्हें यहीं से लेकर के आया था, तुम बहुत छोटे थे और इस स्पेस क्राफ्ट के बगल में खड़े थे तो मैंने तुम्हें यहाँ से उठा करके अपने घर लेकर के आ गया। अब तुम्हें इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर जाना पड़ेगा, वहीं जाकर के तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। और गाइस इसके बाद अपना क्लार्क केंट चला जाता है स्पेस क्राफ्ट के अंदर। उसको तो पता ही नहीं था यार कि आखिर उसके साथ में क्या हो रहा था पर उसके पास कोई उपाय नहीं था, अब जो भी होता उसको अंदर जाकर के ही पता चलता। और गाइस थोड़ी देर में वो सुपरमैन बन करके आता है और उसे एक छोटा सा सूट भी मिल जाता है। अब सुपरमैन को सब कुछ पता चल गया था कि आखिर वो आया कहां से है और उसको यहां पर क्या करना है। और गाइस अब सुपरमैन लॉस सैंटोस में घूर घूर के जितने भी विलन थे सबसे फाइट करता था और सबको हराता था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस से जितने भी विलन है सबको खत्म कर देना। और गाइस इसी तरह करते करते 30 साल बीत जाते हैं। अब अपना सुपरमैन काफी बड़ा लंबा चौड़ा और भाई तगड़ा हो चुका था। लॉस सैंटोस के सारे विलन्स यार भागते थे सुपरमैन को देख करके। और गाइस जब तक सुपरमैन लॉस सैंटोस में रहता था तब तक कोई विलन इधर उधर नहीं आता था। पर गाइस एक मिनट, अभी तो सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी था। भले लॉस सैंटोस के विलन्स सुपरमैन पे अटैक नहीं कर सकते हो पर यार एक विलन लॉस सैंटोस में आ चुका था। और गाइस सबसे बड़ी बात वो यहाँ का नहीं था, वो उसी प्लेनेट का था जहाँ से यार अपना सुपरमैन आया था। अच्छा
तो ये पूरी के पूरी आर्मी लेकर क्या आया है? इतने सारे स्पेसक्राफ्ट, मुझे जा करके तो इससे मिलना ही पड़ेगा। देखूं तो मेरे प्लेनेट से आया हुआ कैसा पड़ोसी है। अच्छा तो तुम हो जो मेरे प्यारे लॉस सैंटोस पे हमला करने के लिए आ गए बिना ये सोचे कि यहाँ पर मैं हूँ। सुपरमैन, मैंने सुना है कि तू यहाँ पर सबकी रक्षा करता है। वाह, क्रिप्टॉन से तो मैंने तुझे बस इसलिए भेजा था कि जैसे तू इस प्लेनेट को तबाह कर दे, पर तू अपना काम करने में असफल रहा। अब इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा सुपरमैन। मेरे जनरल, मुझे काम है तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, तब तक तुम इसको खत्म करके ही आना। गाइस, जेरॉन जो कि यार क्रिप्टॉन वासी था, उसने अपने जनरल को ऑर्डर दिया कि सुपरमैन को खत्म कर दे, और गाइस उसके बाद वो यहाँ से चला गया। अरे लगता है जेरॉन ने मुझे हल्के में ले लिया, इसे पता ही नहीं मैं सुपरमैन हूँ और मेरे से ज्यादा ताकतवर लॉस सैंटोस में कोई नहीं। और जब तक मैं लॉस सैंटोस में हूँ, लॉस सैंटोस में कोई भी बुरा इंसान नहीं रह सकता। तो तुम लोग क्या चीज हो? ऑफिसर, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने जितने भी एलियन यहाँ आए हुए थे मैंने सबको मार दिया, अब आप आराम से घर जा सकते हैं। ये जेरॉन आखिर अपने आप को सोचता क्या है? उसे समझना चाहिए था कि मैं भी क्रिप्टॉन वासी हूँ। चलो यार कोई बात नहीं, अब मैं अपने घर चलता हूँ। अरे अरे सुपरमैन, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम्हें मरना बाकी है। मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफी ज्यादा ताकतवर निकले, मेरे जनरल को हरा दिया। अच्छा लगा, मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मुझे कोई तगड़ा इंसान मिला है। आज मैं तुझे मार करके जितने भी क्रिप्टोनियंस है सबको खत्म कर दूंगा, और इसके बाद से मैं अकेला रहूंगा। ओ जेनॉन चुप हो जा, तुझे क्या लगता है तू लॉस सैंटोस में आएगा और मुझे हरा के चला जाएगा? अरे हाँ, मैंने तो यही सोचा है, तूने क्या सोचा? मैं जनरल था पूरे क्रिप्टॉन का, और सुपरमैन तू मेरे सामने एक छोटा सा पिद्दी सा बच्चा है। अरे यार, मैंने जेनॉन को जितना कमजोर समझा था उतना कमजोर नहीं है, ये भी काफी ज्यादा ताकतवर है। सुपरमैन, अभी भी तेरे पास टाइम है, मेरे आगे घुटने टेक दे, शायद मैं तेरे ऊपर रहम कर दूं। गाइस, जेनॉन काफी ज्यादा ताकतवर था, पर अपना सुपरमैन भी किसी से कम नहीं था, और उसने हार मानना स्वीकार नहीं किया और भाई साहब जेनॉन को काफी ज्यादा धोना चालू कर दिया। तुझे क्या लगा जेनॉन कि तू जीत जाएगा इतनी आसानी से? मैं सुपरमैन हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे जैसे लोगों को मैं लॉस सैंटोस में ढूंढने तक नहीं दूंगा। अगर ऐसी बात है सुपरमैन, तो ले मेरा डबल अटैक, मेरा पूरा का पूरा बॉडी स्प्लिट हो चुका है, और अब तुझे एक नहीं दो दो जेनॉन से फाइट करनी होगी। ओनी गाइस, ये क्या? सुपरमैन तो जीत रहा था, पर जेनॉन ने ये क्या किया? अपनी बॉडी को स्प्लिट कर दिया और खुद को डबल कर दिया। अब गाइस सुपरमैन को दो दो जेनॉन से फाइट करनी पड़ रही है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है, अपना सुपरमैन दोनों जेनॉन को हरा पाएगा? गाइस अगर तुम चाहते हो सुपरमैन हरा दे दोनों जेनॉन को, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो सुपरमैन ओपी। गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुपरमैन को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। लगता है मुझे भी अपनी असली पावर यूज करनी पड़ेगी, अब मैं सोलर फ्लेम यूज करता हूँ। अब देखता हूँ ये दोनों जेनॉन कैसे सर्वाइव करते हैं। ओ नहीं, ये लोग तो भाई जल के राख हो चुके हैं। मैंने बोला था मुझे असली पावर यूज करने पे मजबूर नहीं करो, पर मेरी सुनता कौन है? चलो यार अच्छा हुआ, फाइनली मैंने इन लोगों को भी खत्म कर दिया और लॉस सैंटोस फिर से सुरक्षित है। अब मैं इस जेनॉन के जितने भी स्पेस क्राफ्ट है उसको तबाह कर देता हूँ। जब कमांडर ही नहीं रहा तो उसका स्पेस क्राफ्ट यहाँ रह के क्या करेगा? और गाइस इसके बाद अपने सुपरमैन ने जितने भी जेनॉन के स्पेस क्राफ्ट थे सबको यार करना चालू कर दिया, और फिर से लॉस सैंटोस को एक और एलियन से बचा लिया। इसी तरह गाइस सुपरमैन आगे के 50 साल भी लॉस सैंटोस में सबको बचाता रहा। गाइस अगर तुमको जानना है ना कि 50 साल में और क्या क्या हुआ सुपरमैन के साथ, तो गाइस इसका अगला पार्ट जरूर देखना। और गाइस जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा दो। गाइस कमेंट करके सुपरमैन ओपी लिख देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तुमसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में।